भी जगत में कुछ भी हो उस पर राजनीतिक होना आम बात हो चुकी है। और अब भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आप अच्छा काम भी करते हो तो भी उस पर राजनीति होती है। बुरे काम के लिए तो लोग मुंह फैलाए ही रहते हैं। अभी देख लीजिए, विवेक सिंह जो कि खेसारी लाल यादव के मैनेजर हैं, वो लाइव आते हैं और उन्होंने कल राजकुमार पांडे के लाइव आने के ऊपर ही उन्होंने अपना ये वीडियो बनाया था और राजकुमार पांडे के जितने भी एलिगेंस हैं उसे क्लियर किया। वैसे तो श्याम देहाती इस दुनिया में अब नहीं रहे, अपने पीछे कई जिम्मेदारियों का बोझ छोड़ चुके हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में अब कोई ऐसा नहीं है जो उनके जिम्मेदारियों की बात करे। वैसे आपको बता दें कि श्याम देहाती के घर में अकेले वो कमाने वाले थे। श्याम देहाती के रूप में किसी ने अपना पति खोया, तो किसी ने अपना बेटा, तो किसी ने अपना चाचा, तो किसी ने अपना भाई। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री ने क्या खोया ये तो पता नहीं, लेकिन उनके मौत के बाद विवादों का जो दौर चालू हुआ है जनाब, भोजपुरी इंडस्ट्री में ही ऐसा हो सकता है और कहीं नहीं। किसी के मरने जीने को लेकर इस कदर विवाद हो रहे हैं कि अब मानो भोजपुरी इंडस्ट्री की जो छीहाले दर हो रही है इससे पहले कभी नहीं हुई। कभी कोई किसी चीज़ की सफाई देता है, कभी कोई किसी चीज़ की सफाई देता है, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा है कि अब आगे उनका क्या होगा, क्योंकि घर का सारा बोझ तो श्याम देहाती के कंधों पर था। वैसे बहुत ही कम उम्र में श्याम देहाती सभी को छोड़कर चले गए और अपने पीछे कई जिम्मेदारियां, साथ ही साथ भोजपुरी इंडस्ट्री को उन्होंने कई नायाब गाने दिए, लेकिन उन गानों का भी किसी को कोई ख्याल नहीं है। सभी बस ये भुनाने में लगे हैं कि भाई उन्होंने श्याम देहाती के जिंदा रहते उनकी कितनी मदद की और ना रहने के बाद उनके पर कितना विवाद कर रहे हैं। आज जहाँ भी श्याम देहाती की आत्मा होगी ये सब कुछ देख रही होगी और वो कितने तकलीफ में होगी कि उनके मौत के बाद दुनिया उन्हें इस तरह याद कर रही है। वैसे जब तक श्याम देहाती जिंदा थे सिर्फ एक टाइटल थे, उसके पहले ना कभी उन पर कोई न्यूज़ बनाई गई, ना उनके सबसे बेहतरीन और सुपरहिट गानों की चर्चा की गई। हाँ, चर्चा हुई तो स्टार्स की हुई। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और भोजपुरी इंडस्ट्री क्या आपके नज़र में बहुत नीचे गिर चुकी है?